हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप बिल्कुल फिट एंड फाइन होगे। सो टुडेज़ वीडियो इज़ ऑल अबाउट माय नीट प्रिपरेशन अपडेट। मैंने इतने टाइम से वीडियोस नहीं बनाई हुई थी और अपने प्रिपरेशन के बारे में कुछ भी नहीं बताया कि मेरा सिलेबस कितना हुआ, मैंने कितना रिवाइज कर लिया, मैं रियल टेस्ट दे रही हूँ या नहीं दे रही हूँ। काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो आप मुझसे कमेंट में पूछ चुके हो उनके रिप्लाइज करने वाली हूँ, एंड सारे अपने जितने भी अपडेट हैं मैंने जितना अब तक पढ़ लिया वो मैं आपको बताने वाली हूँ आज की वीडियो में। और हाँ, आपका क्वेश्चन ये भी होता है कि आपने सिलेबस जहाँ से कंप्लीट किया है वो भी बताओ, कि आपने कहाँ से ये वन शॉट लगाया है या फिर आपने फुल लेक्चर्स लिए हैं वो भी बताना है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी कि वो मैंने कहाँ से किया हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी में मेरा सारा सिलेबस कंप्लीट है, मेरे सारे लेक्चर्स डन है, एंड मेरा जितना भी नोट्स बनाना था वो भी डन है, और मैंने एक्स्ट्रा नोट्स भी बनाए हुए हैं जिससे मैं अभी पढ़ रही हूँ। ये एनसीईआरटी की लाइंस है जो मैंने एनसीईआरटी फर्स्ट टाइम जब मैंने पढ़ा था और मुझे इंपॉर्टेंट लगे थे वो मैंने सारे इसमें लिख लिए थे। इंपॉर्टेंट नहीं, बेसिकली पूरे एनसीईआरटी ही कवर है, क्योंकि पूरी एनसीईआरटी ही हमें इंपॉर्टेंट लगती है। बस होता है ना कि एनसीईआरटी में तो फुल मतलब पैराग्राफ्स वगैरह में दे रखे हैं। मैंने अपने में जो नोट्स बनाया उसमें मैंने बहुत ही कंसाइज वे में और लाइन वाइज पॉइंट वाइज करके लिखा हुआ है। तो बायोलॉजी में मेरे लेक्चर्स डन है, नोट्स डन है, एंड थोड़ा सा पोर्शन बस रिवीजन का रह गया है, बाकी मेरा रिवीजन भी ऑलमोस्ट पूरा डन है। बायोलॉजी में मैं पहले तो पूरे पूरे लेक्चर्स ही लगा रही थी, बट फिर मैं स्विच कर गई थी वन शॉट पे, क्योंकि मुझे अपना सिलेबस जल्दी कंप्लीट करना था। तो इसी वजह से मैंने सारे चैप्टर्स जो लास्ट के हैं ना, 12th के पोर्शन वाले, वो मैंने वन शॉट से किए हुए हैं, और वन शॉट मैंने लगाए थे यूट्यूब से। एंड मैं रियल टेस्ट की बात करूँ तो मैंने रियल टेस्ट का भी फॉर्म फिल कर दिया है जो 7 तारीख को होने वाला है। मैं रियल टेस्ट भी अटेम्प्ट करने वाली हूँ, तो उसका भी एक प्रॉपर मैं शायद व्लॉग शूट करूँगी। मे बी अगर मेरा मन बन गया तो मैं व्लॉग रिकॉर्ड करूँगी और फिर मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं फुल सिलेबस टेस्ट दे रही हूँ या फिर पार्ट सिलेबस टेस्ट दे रही हूँ। तो बेसिकली अभी मैं दोनों ही साथ में दे रही हूँ, बट मेरा जो ज़्यादा मेन फोकस है ना वो अभी पार्ट सिलेबस टेस्ट पे है, ताकि मैं हर एक चैप्टर को अच्छा कर सकूँ। और मैं फुल सिलेबस टेस्ट भी दे रही थी और अभी भी मैं मतलब फुल सिलेबस टेस्ट बहुत कम देती हूँ एज़ कम्पेरिजन टू पार्ट टेस्ट, बट येस मिक्स ऑफ बोथ। लास्ट टाइम जब मैंने फुल सिलेबस टेस्ट दिया था तो उसमें मैंने स्कोर किया था बायोलॉजी में 317 मार्क्स, एंड केमिस्ट्री और फिजिक्स में काफ़ी कम स्कोर करा था। लाइक फिजिक्स में आई गेस 90 स्कोर था या फिर 80 था, एंड केमिस्ट्री में भी इसी तरह से था, बट मेरा बायोलॉजी अभी स्ट्रांग है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पे मैं वर्क कर रही हूँ, और जो मेरा पार्ट सिलेबस टेस्ट है उसमें मैं 550 या 600 ऑलमोस्ट तक स्कोर कर रही हूँ, 650 भी गया है मेरा स्कोर। वैसे आप लोग मुझसे पूछते हो कि मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करती हूँ, एंड मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड। जैसे कि मैं अभी एनसीईआरटी अभ्यास बैच से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैंने प्लांट किंगडम पढ़ा था अभी एनसीईआरटी से, तो प्लांट किंगडम मैंने सर्च किया एंड यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है ओल्ड एनसीईआरटी एंड न्यू एनसीईआरटी का, तो मेरी न्यू एनसीईआरटी थी, मैंने न्यू एनसीईआरटी पे क्लिक किया एंड देन आई सिलेक्टेड द पेज नंबर जिस पे मुझे क्वेश्चन करने थे, एंड वो मैंने पेज नंबर सेलेक्ट करके फिर मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे क्वेश्चंस जो है ना वो इसमें PYQs भी इंक्लूडेड है, एंड साथ में ये एनसीईआरटी की हर एक लाइन से फॉर्म करे हुए क्वेश्चन। क्वेश्चन गलत होने पर मैं यहाँ पे शो एक्सप्लेनेशन पे क्लिक करके एक्सप्लेनेशन भी देख लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन एंड वीडियो एक्सप्लेनेशंस भी अवेलेबल है। क्वेश्चन फ्रॉम दिस एनसीईआरटी लाइन पे क्लिक करके मुझे ये भी पता चल जाता है कि एनसीईआरटी के किस लाइन से ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया था। कोई क्वेश्चन अगर मुझे बाद में रिवाइज करना होता है दोबारा, तो मैं उसे बुकमार्क कर लेती हूँ एंड बुकमार्क सेक्शन में जाकर उसके दोबारा रिवाइज भी कर लेती हूँ। ये एनसीईआरटी अभ्यास बैच बायोलॉजी के साथ साथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए भी अवेलेबल है, और यहाँ पे PYQ मार्क्ड एनसीईआरटी में पिछले 25 साल के नीट AIPMT एंड एम्स के सारे क्वेश्चंस को हाईलाइट कर दिया है पिंक कलर से, जिस एनसीईआरटी लाइन से उन PYQs की फ्रेम हुई थी, और हाईलाइटेड लाइन पे क्लिक करके मैं PYQs की भी प्रैक्टिस कर लेती हूँ। और इस PYQ मार्क्ड एनसीईआरटी से मुझे ये भी पता चल जाता है कि कौन सा एग्जाम्पल फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में प्रीवियस ईयर में आया हुआ था, और इस बैच का प्राइस मैंने स्क्रीन पर लिख दिया है, एंड साथ ही आप यहां से परचेज कर सकते हो एनसीईआरटी अभ्यास बुक कॉम्बो, जिसमें फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की टोटल 8 बुक्स हैं, विच इज बेस्ट फॉर योर ऑफलाइन क्वेश्चंस प्रैक्टिस। इस बुक कॉम्बो के साथ आपको 50 OMR शीट्स भी मिलेंगी।
नाउ लेट्स मूव ऑन टू माई सिलेबस अपडेट। सबसे पहले मैं आपको अब केमिस्ट्री का बताती हूँ, बायोलॉजी का मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। केमिस्ट्री में अगर मैं अपनी फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूँ तो मैंने सारे चैप्टर्स के लेक्चर्स लिए हुए हैं, सबके नोट्स बनाए हुए हैं, और ये मैंने फुल लेक्चर्स ही लिए थे जब हमारे बैच में चल रहा था। यकीन 2.0 बैच से मैंने अपना फिजिकल केमिस्ट्री पूरा कम्प्लीट किया है सिंगल लेक्चर से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूँ तो मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पंकज सर से किया था यकीन 2.0 बैच से, और सर ने जो सिंगल लेक्चर्स करवाए थे उसी से किया था। बट लास्ट में मैंने दो चैप्टर्स वन शॉट से किए थे, वो भी यूट्यूब से, वो भी मैंने पंकज सर से ही किए थे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो मेरा पूरा सिलेबस कम्प्लीट है विद नोट्स। बाय द वे, मैं तो अपनी प्रिपरेशन अपडेट दे ही रही हूँ आपको अपनी वीडियोस के थ्रू। अब आप मुझे बताओ कि आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है, आपके टेस्ट में मार्क्स कितने आ रहे हैं, एंड आपने फुल सिलेबस टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया क्या, या फिर आपने टेस्ट ही नहीं दिया अब तक अच्छे से, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर आप अभी से ही गिव अप कर रहे हो कि नहीं मुझसे नीट नहीं होगा एंड ऑल ये सब चीज़ें अगर गिव अप कर रहे हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो कि नहीं मुझसे नीट नहीं होगा, और आप अपने सिलेबस को लेकर टेंस्ड हो, या फिर आप अपने फिजिक्स को लेकर टेंस्ड हो, तो आप मेरी ये वाली वीडियो ज़रूर देखना। मैंने इसमें काफ़ी चीज़ें कवर अप की हैं एंड आई थिंक कि आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, तो ये वाली वीडियो एक बार ही जाकर ज़रूर देखना। इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर शो हो रहा होगा, आप वहाँ से क्लिक करके भी देख सकते हो, या फिर आप मेरे चैनल पे जाकर भी देख सकते हो। तो अब मैं आपको बताती हूँ अपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने यूट्यूब से ही किया है वीटी सर से। पहले मैं कर रही थी केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर, मैंने यकीन 2.0 बैच से किया, लेकिन उतना अच्छे से मुझे समझ आया नहीं जितना आना चाहिए था, मुझसे क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व हो नहीं रहे थे, तो मैंने स्विच कर दिया वन शॉट पे। मींस टू स्विच करने का मेरा ये रीज़न ये था कि मुझे टीचर चेंज करना था, और टीचर चेंज के लिए मुझे वीटी सर मिले और यूट्यूब पे फ्री था, तो ऑब्वियसली मैंने यूट्यूब से ही किया एंड वन शॉट ही मिले, तो मैंने वन शॉट से ही किया, और उतना टाइम भी नहीं था, मुझे जल्दी सिलेबस भी कम्प्लीट करना था, तो मैंने वन शॉट से किया और मुझे समझ भी आ गया, तो आई स्विच टू वन शॉट। अब बात करूँ केमिस्ट्री के रिवीजन की, तो मैंने सारे चैप्टर्स तो अभी तक नहीं रिवाइज़ किए हैं अच्छी तरीके से, लेकिन 12th वाला जो पोर्शन है ना केमिस्ट्री का, वो मेरा कंप्लीट हो चुका है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ही लिया है, फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स रहते हैं एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दो चैप्टर्स रहते हैं रिविज़न करने के लिए। बाकी मेरा केमिस्ट्री ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 70% या फिर 65% मेरा केमिस्ट्री का रिविज़न भी डन है, और मैं इसका पार्ट टेस्ट देती हूँ, और पार्ट टेस्ट से ये होता है ना कि मुझे अपनी टॉपिक वाइज भी गलतियाँ पता चल जाती है कि इसमें मेरा ये गलत था, तो मैं उसको सुधार लेती हूँ। सच बताओ तो केमिस्ट्री पे मुझे अभी उतना कॉन्फिडेंस आया नहीं है, क्योंकि यार मुझे फिजिक्स से ज़्यादा ना टफ़ केमिस्ट्री ही लगती है, क्योंकि मैं उसकी कितनी भी प्रैक्टिस कर लूँ मुझे लगता है कि नहीं मेरा कुछ ना कुछ छूट ही रहा है, और मतलब बहुत ज़्यादा डर लगता है मुझे केमिस्ट्री में। लेकिन फिर भी ठीक है, केमिस्ट्री अभी मैं कर रही हूँ, अपने सुधार रही हूँ, तो मे बी नीट तक मेरी अच्छी हो जाए केमिस्ट्री। बाय द वे, आप लोग कैसे रिवाइज़ करते हो? लाइक मैं अभी अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ एंड वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मैंने देखा कि मैं कितना ज़्यादा तेज बोल कर पढ़ रही हूँ। लेट मी शो यू। स्टेज पे होती है जायगोट से स्पोरोफाइट बनते हैं। स्पोरोफाइट जो होता है तीन में डिफरेंशिएट करता है, फूड सेटा एंड कैप्स्यूल। स्पोरोफाइट जो होती है वो मियोसिस करके स्पोर बना देती है। इंपॉर्टेंट हमें ये याद रखना कि स्पोरोफाइट ऑफ मोसिस इज मोर इलेबोरेट देन लिवर वॉट्स। मोसिस हैव एन इलेबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर। देखा आपने, वैसे आप भी बताना कि आप कैसे रिवाइज करते हो, ऐसे बोल के या फिर मन में वो बड़े जनों वाला। मेरे अंदर तो अभी भी वही बचपन वाला ही याद करने का तरीका बैठा हुआ है कि जल्दी तेज बोलो, और जितना बोलोगे उतना याद रहेगा, क्योंकि अगर नहीं बोलती हूँ तो मुझे नींद आ जाती है, फिर मैं सो जाती हूँ, तो फिर क्या ही फ़ायदा। बाय द वे, अब मैं आपको बताती हूँ अपने फिजिक्स के बारे में कि मैं फिजिक्स में कितना पानी में हूँ या फिर आसमान में हूँ। सिलेबस में तो मेरा फिज़िक्स में सारा सिलेबस अभी कंप्लीट हुआ ही है, कुछ दिनों पहले ही कंप्लीट हुआ है फिज़िक्स का सिलेबस। देखो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला चैप्टर था ना, वहाँ तक तो मैंने यकीन 2.0 बैच से पूरे लेक्चर्स लगाए, एंड देन उसके बाद जो वो करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ये सारे जो चैप्टर है मॉडर्न फिज़िक्स वगैरह, वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, ये सारे चैप्टर्स के मैंने वन शॉट लगाए हैं। एंड मैंने वन शॉट इस चक्कर में लगाना शुरू करा था, मैंने सोचा था कि मैं ना जल्दी सिलेबस कंप्लीट करूँगी, एंड जल्दी सिलेबस कंप्लीट करूँगी तो जल्दी रिवाइज करूँगी, और सब खराब हो गया। हम जितना सोचते हैं उतना तो हो नहीं पाता है ना, राइट? तो यार देखो, फिज़िक्स में तो मैं काफ़ी लेट मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ, बट ठीक है, अब हो चुका है कंप्लीट सिलेबस फाइनली।
तो अभी जितना रिवीजन की बात करूँ तो फिजिक्स में मैंने ट्वेल्थ वाला जो पोर्शन है ना वो सारा रिवाइज कर लिया है, मतलब मेरी ट्वेल्थ की फिजिक्स कंप्लीट है। इलेवंथ की फिजिक्स में से मैं शुरू से स्टार्ट कर रही हूँ रिवाइज करना, तो मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ये वाले चैप्टर्स मेरे रिवाइज हो चुके हैं। बाकी के कुछ चैप्टर्स अभी बाकी हैं, क्योंकि जो इलेवंथ का लास्ट वाला पोर्शन है ना ग्रेविटेशन के बाद वाला, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे पता नहीं क्यों वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सो, आज की पूरी वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि मैं अपने तीनों सब्जेक्ट में कहाँ कहाँ पे स्टैंड करी, बिल्कुल इलैबोरेट करके हर एक सब्जेक्ट का, हर एक एक चीज़ का मैंने आपको पूरा मेंशन कर दिया कि यहाँ पर मेरा कंप्लीट है, यहाँ पे मेरा बाकी है। बट ठीक है, मैंने बता तो दिया। अब मुझे आप ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, जिसने एंड तक वीडियो देखी है वो मुझे ज़रूर बताएगा कमेंट सेक्शन में कि उसकी कितनी प्रिपरेशन हो गई है और वो कहाँ पे लैग कर रहे हैं। एंड यस, वो 40 डेज एंड गेम वाली वीडियो ज़रूर देखना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल एंड, हिट सब्सक्राइब बटन एंड लाइक कर देना वीडियो को। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय एंड कीप स्टडिंग, बी मोटिवेटेड, बाय।